हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सब इस लॉकडाउन पीरियड में? धैर्य से सब घर में रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ ये कुछ शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में एक ये पाइप पड़ा हुआ था, उसको हमने कुछ चेंज कर दिया है, उसका खुलिया। देखिए, ये एक पाइप जो प्लास्टिक वाला है, वो घर में पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो उसको मैं और मेरा भाई, जो कि मैं उससे काफ़ी मेहनत करवाती हूँ, ये काटने वाला काम उसी से करवाती हूँ। देखिए, इसको हमने ये छोटा छोटा कट कर दिया है ऊपर से, देख रहे हैं। और ये बोतल, छोटे बोतल जो आते हैं, स्प्राइट के हो गए, लिमका के हो गए, छोटे वाले हैं ये, जैसे उसको हमने उसमें सेट कर दिया है। अंदर कुछ स्टोन वगैरह भी हम दे दिए हैं इसमें, ताकि ये गिर ना जाए। देखिए, इसमें स्टोन है, ऐसे सब में छोटे छोटे स्टोन्स हैं, और उसमें हम ये प्लांट्स लगा दिए हैं। ये कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। और अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में बाहर नहीं जा सकते, तो ये पानी, इसके अंदर खाली पानी है, मिट्टी हमने डाला ही नहीं इसमें। पानी को चेंज करते हैं, ये देख रहे हैं, ये बॉटल का एक दूसरा ये साइड, और इसके दूसरे साइड में भी हम बॉटल डाले हैं। देखिए, इसके साइड में बंद करने के लिए भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बॉटल का यूज़ कर लिए। बॉटल को काट के इसमें सेट हो जा रहा था, तो उसको हम इसमें लगा के दोनों साइड में और सेलो टेप से चिपका दिए हैं, ताकि पानी लीकेज ना हो। और जब हम पानी चेंज करते हैं, तो इसका ढक्कन खोल के एक साइड का पानी को हम रीयूज़ कर लेते हैं। मतलब किसी भी पौधे में, गमले में डाल देती हूँ, ये पानी फेंकती नहीं ऐसे, और फिर हम इसमें नया पानी डाल देते हैं। और ये कितने फ्रेश और कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी बच्चों के साथ, बच्चों को भी ये दिखाइए, बच्चों के साथ घर में ये बनाइए। कुछ भी आपके पास बॉटल पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो आपके पास, तो उसको बनाइए, और बच्चों को इसमें कुछ सीख भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा, और उनका समय भी अच्छा से मतलब यूज़ हो जाएगा, और बच्चे खुश भी हो जाएंगे, उनके हाथों से छोटे छोटे पौधे कितने अच्छे लगेंगे। आप भी ये घर में बनाइए। और ये एक स्टैंड में मैं खड़ा की हूँ इसको, क्योंकि ये राउंड शेप में है, तो ये ऐसे हिल जाता है। ये स्टैंड भी मैं कैसे बनाई ही हूँ, उसको भी मैं एक बार आपको बताऊँगी, ठीक है? चलिए, कैसा लगा बताना ज़रूर। ओके, बाय बाय।